इस क्वेश्चन में यह एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि 3 to the power m इंटू एन के इक्वल है, तब हमें m की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तब इसमें 3 to the power m दिया गया है, इसलिए हमें इस एक्सप्रेशन के सभी नंबर्स में फैक्टर्स 3 फाइंड करने होंगे, इसलिए हमें इस 15 से एक 3 मिल जाएगा और इस 13 के बाद नेक्स्ट 12 आएगा और इस 12 को हम यहाँ लिख लेते हैं, इस 12 में भी हमें एक 3 मिल जाएगा। इस 12 के बाद 9 में भी 3 मिल जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट 9 लिख लेते हैं और इस 9 में 2, 3 मिल जाएंगे। 9 के बाद नेक्स्ट 6 आएगा जिसमें 3 मिल जाएगा, इसमें 3 × 2 हो जाएगा। अब हमने इस एक्सप्रेशन में टोटल 3 फाइंड कर लिए हैं जो कि मल्टीप्लाई में हैं। अब इन्हें काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि ये सभी मल्टीप्लाई में हैं इसलिए हम 3 to the power 6 ले सकते हैं और इसके मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें m फाइंड करने के लिए केवल 3 to the power 6 से मतलब है जो कि 3 to the power m इंटू n के इक्वल है। और अब अगर इन्हें कंपेयर कराएं तब m की वैल्यू 6 आ जाएगी जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है।